हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है रिप्लाई ऑफ बर्थडे विशेस। जब आपका बर्थडे आता है और लोग आपको विश करते हैं तो उसके रिप्लाई में आप क्या जवाब देते हैं? आप अक्सर थैंक यू सो मच या थैंक्स अ लॉट ही बोलते होंगे, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ किस तरह आप बर्थडे विशेस का रिप्लाई दे सकते हैं, यानी उन्हें थैंक यू के साथ साथ एक अच्छा मैसेज भी दे सकते हैं। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले लेट्स मूव ऑन द वीडियो। हमारा फर्स्ट रिप्लाई है, योर विशेज रियली टच्ड मी एंड मेड माई बर्थडे मोर स्पेशल। इसका हिंदी में मतलब हुआ कि तुम्हारी बर्थडे विशेज ने मेरे दिल को छू दिया और मेरे बर्थडे को और ज़्यादा स्पेशल बना दिया। अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड को बोलना चाहते हैं या आप ऐसे पर्सन को बोलना चाहते हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट रिप्लाई है, थैंक्स फॉर द बर्थडे विशेज, आई फील सो ब्लेस्ड एंड लव्ड। इसका हिंदी में मतलब हुआ, जन्मदिन की बधाई देने के लिए शुक्रिया, मैं तुम्हारे प्यार और आशीर्वाद को महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो अगर आप एक सिंगल पर्सन को देना चाहते हैं, रिप्लाई करना चाहते हैं, या अपने बेस्ट फ्रेंड को करना चाहते हैं, या लाइफ पार्टनर को, या आप अपने स्पेशल वन को करना चाहते हैं, तो इस तरह से रिप्लाई दे सकते हैं। नेक्स्ट है, थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग मी वंडरफुल विशेस ऑन माय बर्थडे। अगर आप बहुत सारे लोगों को एक साथ रिप्लाई देना चाहते हैं, जैसे व्हाट्सएप स्टेटस लगाना चाहते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से भेज सकते हैं। इसका हिंदी में मतलब हुआ कि थैंक यू उन सब लोगों को जिन्होंने भी मेरे बर्थडे पर मुझे अच्छी अच्छी विशेज दी हैं, वंडरफुल विशेज दी हैं, उन सबको शुक्रिया। नेक्स्ट रिप्लाई देखते हैं, योर काइंड वर्ड्स मेड माई डे अ मेमोरेबल वन, थैंक यू सो मच फॉर योर विशेज़। हिंदी में इसका मतलब हुआ, तुम्हारे खूबसूरत या दयालु शब्दों ने मेरे इस दिन को यादगार बना दिया। अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में रिप्लाई देना चाहते हैं तो ये एक अच्छा रिप्लाई है। नेक्स्ट है, आई एम थैंकफुल टू यू एंड थैंक्स फॉर द काइंड सपोर्ट ऑन माई बर्थडे। ये भी एक अच्छा रिप्लाई है, आप किसी को भी बोल सकते हैं और साथ में उन लोगों को भी बोल सकते हैं जिन्होंने आपके बर्थडे पर सपोर्ट किया हो, जैसे कि आपको पार्टी ऑर्गेनाइज कराने में आपका साथ दिया हो। नेक्स्ट है, थैंक यू ऑल फॉर द बर्थडे विशेज, यू रियली मेड माई डे। अगर आप बहुत सारे लोगों को एक साथ रिप्लाई देना चाहते हैं, जैसे पार्टी पर देना चाहते हैं या किसी भी मौके पर देना चाहते हैं, तो आप इस तरह बोल सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि बर्थडे विशेज़ के लिए सबको थैंक यू, और आप साथ में ये भी बोल रहे हैं कि आप सब लोगों ने मेरा दिन ही बना दिया। इसी तरह का एक और रिप्लाई है, थैंक यू ऑल फॉर द बर्थडे विशेज़, और साथ में आप बोल सकते हैं यू मेड अ ग्रेट डे इवन ग्रेटर। इसका मतलब भी लगभग सेम ही है, इसका मतलब है बर्थडे विशेस के लिए सब लोगों को शुक्रिया और साथ ही आपने एक महान दिन भी बना दिया। तो यहाँ पे आप यू रियली मेड माई डे की जगह पर आप बोल सकते हैं यू मेड अ ग्रेट डे इवन ग्रेटर। नेक्स्ट है, थैंक यू ऑल फॉर द वंडरफुल बर्थडे विशेस, यू गाइज आर द बेस्ट। इसका मतलब हुआ कि अच्छी अच्छी बर्थडे विशेज देने के लिए सबको थैंक यू, और आप लोग बेस्ट हो। अगला रिप्लाई है, थैंक्स फॉर विशिंग मी हैप्पी बर्थडे, इट वॉज हैप्पी इन डीड थैंक्स टू यू। यानी मुझे बर्थडे विश करने के लिए थैंक यू, ये सचमुच में हैप्पी था, सचमुच में अच्छा था, सबको थैंक यू। यहाँ पे इन डीड का मतलब है रियली, यानी सच में। नेक्स्ट है, टू ऑल हु पोस्टेड बर्थडे विशेज एंड विश्ड मी, थैंक यू सो मच फॉर थिंकिंग ऑफ मी। यानी जिन लोगों ने मेरी बर्थडे विश पोस्ट की है और मुझे विश किया है, उन सबको थैंक यू, और मेरे बारे में सोचने के लिए थैंक यू। अगर आपके फ्रेंड ने आपकी बर्थडे विश फेसबुक पर पोस्ट की है, तो आप उसका रिप्लाई इस तरह दे सकते हैं। अगला रिप्लाई देखते हैं, इट वॉज़ नाइस टू हियर फ्रॉम सो मैनी पीपल यस्टरडे, थैंक्स फॉर मेकिंग मी फील स्पेशल ऑन माई बर्थडे। अगर आप अपने बर्थडे वाले दिन आप अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने में बिज़ी रहे और आप लोगों को थैंक्स नहीं बोल पाए, रिप्लाई नहीं दे पाए, तो आप अगले दिन भी बोल सकते हैं। तो ये रिप्लाई अगले दिन के लिए है, तो आप इस तरह बोल सकते हैं, और इसका मतलब है कि ये बहुत ही अच्छा था, जिन भी लोगों ने मुझे विश किया उनके विशेज़ को सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरे बर्थडे पर मुझे स्पेशल फील कराने के लिए थैंक्स। नेक्स्ट रिप्लाई देखते हैं, टू एवरी वन हु विश्ड मी हैप्पी बर्थडे यस्टरडे, थैंक यू, आई हैड अ ग्रेट डे एंड हियरिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू वॉज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। इसका हिंदी में मतलब हुआ, जिन लोगों ने भी मुझे कल बर्थडे विश किया, उन सबको थैंक यू, मेरे लिए बहुत अच्छा दिन था, और आप सब लोगों से बर्थडे विश सुनना इस दिन का बेस्ट पार्ट था।
तो अगर आप एक अच्छा और लंबा रिप्लाई देना चाहते हैं तो इस तरह बोल सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट रिप्लाई है, थैंक यू एवरीवन फॉर विशिंग माय बर्थडे। इसका मतलब हुआ मेरा बर्थडे विश करने के लिए हर एक को थैंक यू, यानी सबको थैंक यू। तो अगर आप एक सिंपल सा रिप्लाई देना चाहते हैं तो ये एकदम बेस्ट रिप्लाई है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ बर्थडे विशेस के रिप्लाई। अगर आपको अच्छा लगा तो आप फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप बर्थडे विश करना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके देख सकते हैं या आप मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। तो गाइज, आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगी फिर कुछ और नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं।